हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज़ योर एडुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड अ बहुत ही अच्छी सी प्लेलिस्ट जिसका नाम है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें आपको वीकली अ काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज मिल रही है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर टू प्रैक्टिस। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो किस चीज़ की वेट करो, फटाफट से चैनल विजिट करो, चेक आउट द वीडियो सेक्शन, सॉरी प्लेलिस्ट सेक्शन, वीडियो सेक्शन, तो ये वाले वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगी। या फिर आप चेक कर सकते हो द प्लेलिस्ट विद द नेम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो कर देते हैं स्टार्ट आज की वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप किसी भी दुविधा में हैं, कशमकश में हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, बोर्ड में एग्जाम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन लेकर के आ गई हैं आपकी स्वाति मैम आपके लिए। जी हाँ, आई हैव रिलीज्ड माय ओन क्वेश्चन बैंक फॉर CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। यू कैन परचेज इट फ्रॉम द लिंक, और जो लिंक है मैंने उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। गो एंड चेक इट आउट, आप ज़रूर इसको परचेज कर सकते हैं। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, PYQs आर ऑल्सो देयर, CBSE का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है वो भी इसमें कवर है। एट द एंड ऑफ दिस आपको प्रैक्टिकल फाइल के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, और भी बहुत कुछ है इसमें, आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो इसमें हमारे जो बेस क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी फ्रॉम द चैप्टर MySQL, राइट। सो अब हम आ जाते हैं हमारे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज इन SQL नेम द क्लॉज दैट इज यूज टू फेच यूनिक वैल्यूज ओनली। सो अगर मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए अपने रिकॉर्ड में, कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड या फिर कौन सी कमांड यूज होगी, दैट इज डिस्टिंक्ट कमांड। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिस्टिंक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज बी पार्ट, इन SQL व्हाट इज द यूज ऑफ बिटवीन ऑपरेटर। सी, आपका जो बिटवीन ऑपरेटर है, जब भी मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए, मीन्स मुझे अपर लोअर रेंज पता, लोअर वैल्यू पता है, अपर वैल्यू पता है, उसके बीच की वैल्यूज चाहिए, तो वहाँ पर हम जनरली कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, बिटवीन ऑपरेटर। और इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ मार्क्स बिटवीन 70 एंड 90, तो दैट मीन्स आपकी जो बाउंड्री वैल्यूज है 70, दिस इज 70, ठीक है, 70 और 90, ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। अगर आप मैथमेटिक्स के सिंटेक्स से फेमिलियर हैं तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ क्लोज इंटरवल ऑफ 70 to 90, मीन 70 to 90, इंक्लूडिंग 70 and 90 बोथ, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू DDL एंड DML कमांड्स। अब आपको कमांड्स गिवन है एंड यू हैव टू कैटेगराइज दीज कमांड्स इनटू DDL एंड DML। सो देखो, DDL कमांड्स आपकी कौन सी होती है, जो आपके टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि DDL कौन सी है, DML कौन सी है, बेचारे याद करते फिरते हो, ठीक है, या फिर रट्टा मारते फिरते हो, क्रैम करते हो, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। आपने सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो DDL कमांड्स है वो टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करेंगी। टेबल का स्ट्रक्चर मतलब मैं उसका टेबल क्रिएट कर रही हूँ, टेबल डिलीट कर रही हूँ, तो उसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, या कॉलम ऐड कर रही हूँ, कॉलम डिलीट कर रही हूँ, डेटा टाइप में चेंजेस कर रही हूँ, जो हम टेबल क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में, तो ये सारे आपके टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करता है। वहीं अगर मैं बात करूँ DML कमांड्स, तो ये आपकी वो कमांड्स हैं जो टेबल की वैल्यूज़ पर इफेक्ट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट हमारी है सेलेक्ट कमांड। सो सेलेक्ट कमांड हमारे को सिर्फ वैल्यूज़ को सिर्फ डिस्प्ले कराता है, रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करता है, तो टेबल के स्ट्रक्चर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपका जो सेलेक्ट हो गया किस में आ गया, DML कमांड में। नेक्स्ट है मेरे पास अपडेट। अपडेट कमांड से क्या हो रहा है, वैल्यूज़ चेंज हो रही है, टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तो वैल्यूज़ चेंज हो रही है, तो कौन सी कमांड हो गई, DML। नेक्स्ट इज़ योर ड्रॉप। ड्रॉप कमांड इज़ यूज टू डिलीट द कम्प्लीट टेबल। देखो, जब मैं टेबल क्रिएट करती हूँ तो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे जब मैं टेबल को डिलीट करती हूँ तो दैट मीन्स उसके कॉलम्स भी डिलीट हो रहे हैं, टेबल पूरी डिलीट हो रही है,
तो भी उसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ड्रॉप आपकी कौन सी कमांड है? DDL कमांड। नेक्स्ट इज योर डिलीट कमांड। डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। अगर मुझे रोज डिलीट करनी है, अब अगर मैं रोज को डिलीट कर रही हूँ तो सिर्फ उसकी वैल्यूज पर, रिकॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसके कॉलम्स पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो दैट मीन्स डिलीट इज योर DML कमांड। नेक्स्ट इज योर क्रिएट। क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट द टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो स्ट्रक्चर पर इफेक्ट कर रहा है, तो कौन सी कमांड हो गई? DDL। नेक्स्ट इज योर ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड इज यूज टू ऐड अ कॉलम, डिलीट अ कॉलम, उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है। अगेन ये मेरे टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट कर रहा है, तो कौन सी कमांड हो गई? DDL कमांड। नेक्स्ट लास्ट इज योर इंसर्ट कमांड। अब देखो, इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम इंसर्ट तो DDL है बिकॉज हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर इफेक्ट कर रहे हैं। इंसर्ट कमांड से टेबल के स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स एज इट इज़ हैं, उसकी डेटा टाइप्स एज इट इज़ हैं, सिर्फ उसके रिकॉर्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं जो मेरे टेबल के स्ट्रक्चर का इफेक्ट नहीं कर रहे। सो इंसर्ट इज़ योर DML कमांड, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। इन SQL नेम द क्लॉज विच प्रोवाइड्स अ कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग द रोज फ्रॉम द टेबल इन अ डेटाबेस, विच प्रोवाइड्स अ कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग द रोज। जब भी हमें रोज को सेलेक्ट करना है, मैं कंडीशन लगाती हूँ। कंडीशन हमेशा किसके थ्रू अप्लाई होती है? आपकी वेयर क्लॉज के थ्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इन SQL विच कमांड इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। अगर मुझे अपने कॉलम्स की ग्रुपिंग करनी है, साथ में एग्रीगेट फंक्शन भी यूज होता है, तो कौन सी कमांड है? वो मेरी ग्रुप बाय कमांड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। ये आप सभी को पता है SQL की फुल फॉर्म। द फुल फॉर्म ऑफ SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट है इसका जी पार्ट। राइट एन SQL क्वेरी टू फेच यूनिक वैल्यूज ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर टेबल। अब आपको क्या करना है? यूनिक वैल्यूज को फेच करना है, डिपार्टमेंट की यूनिक वैल्यूज को। सो आपको पता है यूनिक वैल्यूज फेच करनी है तो डिस्टिंक्ट यूज होगा। रिकॉर्ड्स को फेच करना है तो सेलेक्ट यूज करोगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। किसकी यूनिक वैल्यूज को फेच करना है? डिपार्टमेंट की, फ्रॉम वर्कर टेबल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रॉम वर्कर। नेक्स्ट इज एच पार्ट। अमित वॉन्ट्स टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल प्रोडक्ट। उसको टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले कराना है। टेबल नेम आपको गिवन है, दैट इज प्रोडक्ट, और नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स और उसकी डेटा टाइप। तो आपको क्वेरी लिखनी है, इसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है? DESC, या फिर आप कंप्लीट लिख सकते हो डिस्क्राइब। DESC या फिर डिस्क्राइब एंड देन टेबल नेम प्रोडक्ट, ठीक है? बोथ आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। अ टेबल क्लर्क इज कंसीडरिंग टू मेंटेन देयर डिटेल्स यूजिंग MySQL टू स्टोर द डेटा। नेम ऑफ डेटाबेस IPL, नेम ऑफ टेबल गिवन एज स्पोर्ट्स क्लब। द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पोर्ट्स आर एज फॉलोज। टीम कोड एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम के नेम्स गिवन है। टीम कोड कॉलम डेटा टाइप कैरेक्टर दे रखा है। टीम नेम कैरेक्टर साइज 10 दे रखा है, 20। NOP नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होगा आई थिंक न्यूमेरिक, और ऑनर कैरेक्टर साइज 20। उसके बाद ही आपको एक अच्छे से टेबल गिवन है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की कौन सी होगी विच आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड यूनिकली? टीम कोड आपको यूनिकली दिख रहे हैं, ठीक है? टीम के नेम्स भी वैसे तो आपका यूनिक ही होंगे अगर हम IPL की बात करें, ठीक है? बट जो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो हम जिसको कंसीडर कर सकते हैं, मोस्ट एफिशिएंट लग रहा है, दैट इज़ टीम कोड। बट आई थिंक यहाँ पर टीम नेम भी आपका गलत नहीं हो सकता, बट लिखोगे एक ही कॉलम बिकॉज प्राइमरी की हमारे टेबल में एक ही होती है, ठीक है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ये आपके सेम रहेंगे, ऑनर, ठीक है? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग मीन्स जो आपके जो टेबल है उसमें जो रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होगा वो आप उसको क्या सेट करोगे? प्राइमरी की। नेक्स्ट है मेरे पास राइट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब टेबल। सो देखो, डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स।
सो कॉलम की बात करें तो 1, 2, 3, 4, सो डिग्री तो कितनी हो गई, 4। कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 8। यहाँ पर मत देखना P001, 2 और 8, 10 तक जा रहा था, टोटल 10 रिकॉर्ड्स होंगे, नहीं, इसमें बीच में मिसिंग है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेक ज़रूर करोगे। सो डिग्री इज 4 एंड कार्डिनलिटी इज 8। नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन टू एट्रीब्यूट्स, टीम कोड, टीम नेम एंड ऑनर। अब देखो तीन ही कॉलम्स में आपको सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करनी है, बाकी में बाय डिफॉल्ट वो नल ले लेगा। टीम कोड T009 और टीम नेम गुजरात लॉयंस एंड ऑनर एस केशव बंसल, ठीक है। सो अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो हमारा सिंटेक्स क्या रहता है, सबसे पहले लिखोगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम मुझे गिवन है स्पोर्ट्स क्लब, फिर लिखोगे कॉलम के नेम्स जिस कॉलम में आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है। सो यहाँ पर वो आपके कौन कौन से कॉलम हैं, टीम कोड हो गया और प्लस कौन सा हो गया, टीम नेम एंड देन ऑनर। तो मैंने यहाँ लिख दिया टीम कोड, टीम नेम, ऑनर, ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखोगे वैल्यूज और ये वैल्यूज आपको गिवन है। अब देखो T009 इसमें विद इन कोट्स नहीं गिवन, वो तो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिख के दे रहा है, बट हमें तो MySQL का सिंटेक्स लिखना है ना, तो यहाँ पर T009 आपका किस में आएगा, विद इन कोट्स। गुजरात लॉयंस जो हमने लिखना है, टीम नेम हो गया और ये आपका क्या हो गया, ऑनर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, मिस निशा वॉन्ट्स टू डिलीट द कॉलम फ्रॉ, डिलीट द कॉलम NOP, NOP कॉलम को डिलीट करने का सिंटेक्स। अब मुझे पता है कॉलम डिलीट करना है तो कौन सी कमांड यूज़ होगी, मेरे पास ऑल्टर कमांड, राइट। सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, डिलीट कॉलम, कॉलम नेम, देख ले कौन सा है, डिलीट ये नहीं होगा, ऑल्टर NOP, ये सिंटेक्स गलत है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम दैट इज स्पोर्ट्स क्लब, ड्रॉप NOP, ठीक है। और अगर इन केस होता ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स क्लब, ड्रॉप कॉलम वर्ड भी लिखा होता है यहाँ पर, तो वो भी करेक्ट होता है, बिकॉज ये कॉलम वर्ड लिखना ऑप्शनल है, आप लिख सकते हो ड्रॉप कॉलम NOP या फिर ड्रॉप NOP, बोथ आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज राइट द कमांड टू डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, अगर आपको अपने टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करना है तो क्या लिखोगे, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, और टेबल नेम आपको क्या गिवन है, स्पोर्ट्स क्लब। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज़ द आउटपुट फॉर 1, 2, 3 बेस्ड ऑन अ टेबल, कंपनी एंड कस्टमर। तो आपको बेसिकली इनके आउटपुट बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट है मेरे पास सेलेक्ट काउंट स्टार कोमा सिटी फ्रॉम कंपनी ग्रुप बाय सिटी, तो किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, सिटी कॉलम की, प्लस मुझे काउंट करना है। सो यहाँ पर आप सिंपल देख लो, दिल्ली, दिल्ली और ये दिल्ली, दिल्ली की हो गए 3, ठीक है, और उसके बाद है मुंबई, मुंबई, मुंबई के हो गए 2 और मद्रास का है 1। सो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास सेलेक्ट मेन प्राइस, मैक्स प्राइस फ्रॉम कस्टमर वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 10। तो ये कस्टमर है आपका, जहाँ पर क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 लिखा है तो 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दो ही वैल्यूज हैं 20 और 15, और उसका मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस। सो आपका जो 10 और सॉरी 20 और 15, सो यहाँ पर मिनिमम प्राइस आपका 50,000 और मैक्सिमम आपका क्या है, 70,000। नेक्स्ट है मेरे पास जॉइन कमांड का क्वेश्चन है, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, सिटी, प्राइस। तो आपको क्या क्या डिस्प्ले कराना है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम मुझे यहाँ पर गिवन है, सिटी एंड देन प्राइस मुझे ये गिवन है, राइट। सो जब भी मुझे कुछ ऐसे कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं जो दोनों टेबल्स में आ रहे हो, तो कौन सी कमांड होती है, ज्वाइन कमांड। वेयर कंपनी डॉट CID इक्वल्स टू कस्टमर डॉट CID एंड प्रोडक्ट नेम क्या है मेरे पास, मोबाइल। सो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नेम गिवन है, मोबाइल, राइट। ये वाली वैल्यूज आपने लिखनी है, और जहाँ पर आपको देखने की जो CID की वैल्यूज हैं ये आपकी क्या होनी चाहिए, सेम, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा ये चीज़ डिस्प्ले करानी है, ये CID वाला कॉलम है, ठीक है, और आई थिंक प्रोडक्ट नेम क्या था मेरे पास, मोबाइल। सो मैं फर्स्ट पिक करूँगी, इसका CID क्या है, 222, ये 222 वाला है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 222 के आगे
प्रोडक्ट नेम में मोबाइल, सिटी मुंबई, और प्राइस हो गया 70,000। नेक्स्ट उठाओगे मोबाइल 444, ये हो गया, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग सिटी हो गई मुंबई, और ये हो गया मेरे पास 25,000। नेक्स्ट आप पिक करोगे ये मोबाइल है 555। अब देखो 555 मुझे यहाँ पर नहीं गिवन ना, इस मोबाइल के साथ ये तो गिवन है, बट यहाँ मुझे 555 कहीं पर भी नहीं गिवन, राइट। सो दैट मीन्स ये वाला रिकॉर्ड हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो दो ही रिकॉर्ड्स आएंगे, राइट। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल रिसॉर्ट एंड ऑन्ड बाय एंड राइट द क्वेरीज फॉर पार्ट 1 to 4। नाउ यू हैव टू राइट द MySQL क्वेरीज। सो यहाँ पर अब मेरे पास दो टेबल्स गिवन है, रिसॉर्ट एंड ऑन्ड बाय, राइट। SQL कमांड्स, टू कॉलम के नेम्स देख लेते हैं एक बार क्या क्या गिवन है। आर कोड, टेबल का नेम रिसॉर्ट एंड ऑन्ड बाय, आर कोड प्लेस रेंट टाइप और स्टार्ट डेट, और ये हो गया प्लेस और ऑनर। टू डिस्प्ले द आर कोड एंड प्लेस ऑफ ऑल 5-star रिसॉर्ट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द प्लेस फ्रॉम द टेबल रिसॉर्ट। अब इसमें क्या क्या गिवन है, डिस्प्ले क्या क्या कराना है, आर कोड और प्लेस। तो क्या लिख देंगे, सेलेक्ट आर कोड कोमा प्लेस फ्रॉम, टेबल नेम लिख दोगे रिसॉर्ट। अब क्या दो चीज़ें गिवन है, एक तो 5-star रिसॉर्ट और एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 5-star रिसॉर्ट में तो आपकी वो वेयर वाली कंडीशन लगेगी, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए आपकी ऑर्डर बाय कमांड यूज़ होगी, ठीक है। 5-star वाले कॉलम का नेम है मेरे पास टाइप। सो कमांड क्या रहेगी, देखो अगर दोनों चीज़ें आ जाएँ, वेयर भी और ऑर्डर बाय भी, तो हमेशा पहले क्या लिखना, वेयर, फिर क्या लिखना, ऑर्डर बाय। सो कमांड क्या रहेगी, सेलेक्ट आर कोड और प्लेस डिस्प्ले कराना है फ्रॉम, टेबल नेम रिसॉर्ट, वेयर टाइप इक्वल्स टू 5-star, और ऑर्डर बाय हम क्या लिख देंगे, प्लेस, किस कॉलम को ऑर्डर करना है उसका नेम लिखेंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है तो बाय डिफॉल्ट आपका किस में होगा, असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग होगा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा DESC। नेक्स्ट है इसी का सेकेंड पार्ट। टू डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंट फॉर ईच टाइप ऑफ रिजॉर्ट फ्रॉम द ऑफ ईच टाइप ऑफ रिजॉर्ट फ्रॉम द टेबल रिजॉर्ट। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि हमें पता ही नहीं लगता ग्रुप बाय कमांड कब यूज़ करनी है। अगर मेरी आप सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस देख रहे हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, अगर मेरे पास ईच वर्ड या वाइज वर्ड ऐसे कुछ टर्म लिखी हुई आ जाए तो देखो 99% केसेस में वहाँ पर आपकी ग्रुप बाय कमांड यूज़ होगी। आई एम नॉट सेइंग इन 100%, बट या मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपका एप्लीकेबल रहेगा। सो यहाँ पर आपको ग्रुप बाय का सिंटेक्स क्या रहता है मेरे पास, सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट, फिर जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम का नेम, किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, टाइप ऑफ रिसॉर्ट, उस कॉलम का नेम क्या है, टाइप। तो सेलेक्ट टाइप, मैक्सिमम और मिनिमम किसका करना, रेंट का, मैक्स रेंट मिन रेंट, फ्रॉम, टेबल नेम रिसॉर्ट, और अगेन उस कॉलम का नेम लिखोगे जिस कॉलम की मुझे क्या करनी है, ग्रुपिंग। सो ग्रुप बाय टाइप। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द रिसॉर्ट्स विच आर स्टार्टेड आफ्टर 31st December 2005 फ्रॉम द टेबल रिसॉर्ट। सारी की सारी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम हो गया मेरे पास रिसॉर्ट, वेयर। अब स्टार्ट डेट के कॉलम नेम देखोगे, स्टार्ट डेट आफ्टर लिखा है तो दैट मीन्स ग्रेटर देन 31st December 2005, और इसको आपने यहाँ पर लिखना है विद इन कोट्स, राइट। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। डिस्प्ले द ऑनर, ऑनर का नेम बताना है ऑफ ऑल 5-star रिसॉर्ट्स फ्रॉम द टेबल रिसॉर्ट एंड ऑन्ड बाय। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑनर का नेम तो मुझे इस टेबल में गिवन है और टाइप ऑफ रिसॉर्ट मुझे यहाँ गिवन है। सो जब भी ऐसा कुछ आए आपको डिस्प्ले कराने के लिए कि कुछ कॉलम आपको एक टेबल में गिवन है और कुछ कॉलम्स आपको दूसरे टेबल में गिवन है, तो वहाँ पर हमारी कौन सी कमांड यूज़ होती है, जॉइन कमांड, राइट। और जॉइन कमांड का सिंटेक्स क्या रहता है आप लोगों का, सेलेक्ट जो डिस्प्ले कराना है, क्या डिस्प्ले कराना है, ऑनर, फ्रॉम, नेम ऑफ बोथ द टेबल्स रिसॉर्ट कॉमा ऑन्ड बाय, वेयर, फिर आपको एक कॉलम ऐसे ज़रूर मिलेगा दोनों टेबल में जो सेम होगा। सो यहाँ पर वो आपका कॉलम कौन सा जो दोनों टेबल में सेम है, दैट इज़ प्लेस, उस कॉलम पर आपको इक्वालिटी की कंडीशन लगानी है।
सो इतना हमारा हो गया था। सेलेक्ट जो डिस्प्ले कराना है ऑनर वो लिखोगे, फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर, ये क्वालिटी की कंडीशन। फर्स्ट टेबल का नेम डॉट, जो कॉलम सेम है रिजॉर्ट डॉट प्लेस, इक्वल्स टू सेकेंड टेबल का नेम ऑन्ड बाय डॉट, जो कॉलम सेम है दैट इज प्लेस वो लिखोगे। एंड करके आपने एक्स्ट्रा कंडीशन कोई गिवन हो तो वो लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखा, फाइव स्टार रिजॉर्ट, सो एंड टाइप इक्वल्स टू फाइव स्टार। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द मैक्सिमम रेंट। सिर्फ मैक्सिमम रेंट डिस्प्ले कराना है, कहीं ग्रुपिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो सिंपल हमारा सिंटेक्स क्या हो जाएगा, सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में हम लिखेंगे रेंट, फ्रॉम टेबल नेम आपका क्या है रिजॉर्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सारे क्वेश्चंस अगेन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू आर ऑल्सो फ्री टू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट हमें कर दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट आपकी मैम आपको ज़रूर करेंगे, राइट। और जो हमारा छोटू सा टारगेट चल रहा है 100K सब्सक्राइबर का, प्लीज़ उसको कंप्लीट करने में अपना सहयोग, अपना पार्टिसिपेशन, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर दीजिए। एंड इतने फ्रेंड के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं अपना उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।